वेलकम टू पाकिस्तानी री इलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है मेड इन इंडिया वर्सेज मेड इन चाइना। जैसा कि आपको पता है, आजकल इंडिया में मेड इन इंडिया हर चीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे सारा, मतलब जो आत्मनिर्भर होता जा रहा है इंडिया, भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, और दूसरी तरफ वो चाइना जो मतलब पहले आत्मनिर्भर हो चुका है। तो आज हम देखेंगे क्या अंतर है, क्या फर्क है दोनों में, मेड इन इंडिया में और मेड इन चाइना में। तो बिना किसी देरी के देखते हैं भाई, मजा आएगा, तो हमें भी काफी कुछ जानने को मिलेगा, आपको भी। गेट सेट फ्लाई पैक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव, और 2017 में एक सर्वे के हिसाब से 83% इंडियंस सस्ते प्राइस के कारण इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। जिस वजह से आज इंडियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय चाइनीज प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में चाइनीज मोबाइल्स का शेयर 75% और वहीं इंडियन मोबाइल्स का सिर्फ 0.2%। यहाँ तक कि इंडियन टॉय मार्केट को भी चाइना ने डोमिनेट कर रखा है, जहाँ उसका शेयर पूरा 80% है, और इंडिया हर साल सिर्फ 1000 टॉयज ही बना पाता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स बेहतर होते हैं? वेल, अगर हम आंकड़ों को देखें, तो 2017 में चाइना के कंज्यूमर राइट्स डिपार्टमेंट को पूरे 8.99 करोड़ कंज्यूमर कंप्लेंट्स आए थे। और ऐसे में फिर क्यों लोग मेक इन इंडिया जैसे वंडरफुल इनिशिएटिव को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उसे देते हैं जिसने तो इस कैंपेन को भी कॉपी करके मेक इन चाइना कैंपेन शुरू कर दिया। और अगर हम कंपेयर करें तो क्या बेहतर है, मेड इन चाइना वर्सेस मेड इन इंडिया? Well, let's find quality तो इंडियन प्रोडक्ट्स की बेस्ट है। हम कौन बेहतर है ये देखने जाए, तो सबसे पहले तो हमें दोनों की क्वालिटी और उन प्रोडक्ट्स पे मिलने वाली वारंटी को चेक करना। 2017 में करीबन 50,000 इंडियंस का सर्वे किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर लगती है, इंडियन या चाइनीज। उस वक्त करीबन 52% लोगों ने इंडियन कहा, 21% ने चाइनीज, और 17% ने कहा कि दोनों की क्वालिटी सेम होती है। लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम नहीं होती है, क्योंकि जहां इंडिया स्मॉल स्केल पे क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, वहीं चाइना लार्ज स्केल पे सस्ते प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। और इसीलिए तो इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते वक्त हमेशा यही कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट चला तो चांद तक, वरना रात तक। और रात तक चलने वाले प्रोडक्ट्स कभी भी किसी वारंटी या गारंटी के साथ नहीं बिकते, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स पे वारंटी चाइना के अंदर मिलती है, इंटरनेशनली नहीं। वैसे इंडियन प्रोडक्ट्स का भी सेम सीन है बॉस। इंडियन प्रोडक्ट्स पे इंडिया में वारंटी मिलती है, पर इंटरनेशनली नहीं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की वारंटी वहां की सरकार नहीं, बल्कि ब्रांड्स खुद अपने हिसाब से रखते हैं। अब ब्रांड्स चाहे तो वो इंटरनेशनल वारंटी दे सकते हैं, जैसे कि OnePlus 9 ने अपने सिटीजंस और यूरोप में 2 साल की वारंटी दी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ USA और इंडिया को सिर्फ 1 साल की वारंटी दी है। उसी जगह iPhones सिर्फ इंडिया और चाइना में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में वारंटी प्रोवाइड करता है। सो ये हुई क्वालिटी और वारंटी की बात। अब चलते हैं प्राइस पर। चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स से कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। चाइना रॉ मटेरियल्स के मामले में काफी आत्मनिर्भर है, वहीं इंडिया अपने ज्यादातर रॉ मटेरियल्स चाइना से ही इंपोर्ट करवाता है। एग्जांपल के लिए, 2020 में ही हम चाइना से इंपोर्ट करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पे थे, यानी हमने उससे पूरे 43 लाख करोड़ रुपीस का सामान इंपोर्ट किया था। दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक में चाइना 20th पोजीशन पे आता है और इंडिया 52nd पोजीशन। वैसे तो 2018 में इंडिया के रोड नेटवर्क्स को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क बोला गया था, लेकिन उसमें से 40% कच्चे रास्ते हैं, और इन सारे रोड्स में से सिर्फ 3% रोड्स नेशनल हाईवेज है, वहीं चाइना में 40% रोड्स नेशनल हाईवेज। प्लस इंडिया में बिजली की इररेगुलर सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा और स्लो है, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि किस देश में बिजनेस करना ज्यादा आसान और कहाँ ज्यादा मुश्किल है। उसमें इंडिया आज 63rd पोजिशन पे है और चाइना 31st। लेकिन अगर इंडिया का आज का रैंक उसके पिछले रैंक से कंपेयर करें, तो हमें ये पता चलता है कि इस मामले में आज इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि जहां पर 2015 में इंडिया का रैंक 142nd था, वहीं आज as you know 63 हो गया भाई। बहुत फर्क है, इंडिया को और तेजी से ग्रो करने से भी ज्यादा स्पीड मारी यार। डंपिंग स्ट्रेटजी।
जो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की प्राइस कम होने के पीछे का तीसरा और सबसे मेन रीजन है। और बिग बुश लीग, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना बहुत ही चिंदी दाम में मास प्रोडक्शन करता है और वो इन्हीं मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स को दूसरे आजू बाजू के देशों के मार्केट में डंप कर देता है, और जो कि इन चाइनीज प्रोडक्ट्स उन देशों के लोकल मार्केट से सस्ते होते हैं तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है और वहां के लोकल ब्रांड्स ठप पड़ जाते हैं। अब इसके खिलाफ बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने प्रोटेस्ट तो किया था, मगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि ऐसा करना इलीगल नहीं है। अब हाँ। नेक्स्ट हम इन दोनों भी देशों के प्रोडक्ट्स की इनोवेशन और रिसर्च को देखते हैं। डेटा के हिसाब से 2019 में चाइना ने रिसर्च और डेवलपमेंट पे पूरे 50,000 करोड़ खर्च किए और वहीं इंडिया ने सिर्फ 5,000 करोड़। पर उससे सिर्फ कुछ सालों पहले 2015 में चाइनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाओबाओ का केस दुनिया के सामने आया था कि उस वेबसाइट पर बेचे जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स में सिर्फ 37% ही असली थे, बाकी सभी फेक कॉपीज थे। और दुनिया भर में बनने वाले नकली प्रोडक्ट्स में से 80% से भी ज्यादा तो चाइना में ही बनते हैं, जिनकी वैल्यू कुछ 40,000 करोड़ है। इन फेक चाइनीज प्रोडक्ट्स में सबसे टॉप पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। मगर देखा जाए तो 2019 में इंडियन फेक प्रोडक्ट्स के कारण इंडिया को भी पूरे 1,00,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। और इंडिया में मोस्टली FMCG प्रोडक्ट्स जैसे कि फार्मा, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स के नकली प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन अब तक चाइना की तरह नकली प्रोडक्ट्स की दुनिया में इंडिया उतना नहीं उतरा है। सो सवाल तो ये है कि चाइना ऐसे खुलेआम कॉपी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा? Well, वैसे तो हर देश में कंपनीज के ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने और नकली प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन पे कंट्रोल रखने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए जाते हैं, लेकिन ये लॉज चाइना में बहुत ही वीक है। जैसे चाइना का कानून इन्हें देख के भी अनदेखा करता है और ज्यादातर बार इन्हें तोड़ने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसे कबूल करते हुए खुद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्टेटमेंट दी कि वो चाइना के डेवलपमेंट के लिए अपनी IPR को इम्प्रूव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी अपने लॉज को स्ट्रिक्ट कर रही है। नकली प्रोडक्ट से लड़ने के लिए 2020 में अमेजोन ने इंडिया में प्रोजेक्ट जीरो चालू किया था, जहाँ काउंटर फीड प्रोडक्ट्स की सेल को रोकने के लिए अमेजोन ने कहा था कि वो अपने सिस्टम और टूल्स को अपडेट करेंगे। लेकिन ये सब मास प्रोडक्शन और सस्ते दाम पे प्रोडक्ट्स को बेचने के पीछे चाइना का एक काला सच छुपा हुआ है, जो है वहाँ के लेबर्स की हालत। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GCI एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ एक कंट्री की इकोनॉमी और उसके सिटीजन कितने समृद्ध है उसको एग्जामिन किया जाता है। इस इंडेक्स में चाइना का रैंक है 16th और वहीं इंडिया का रैंक है 43rd। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि चाइना लेबर्स के मामले में सही में इंडिया से बेहतर है? Well, सच्चाई तो ये है कि चाइना अभी तक फोर्स्ड लेबर और स्लेव लेबर जैसी प्रैक्टिसेस जिससे दुनिया उभर आ चुकी है वो आज भी फॉलो करता है, जिसके तहत वो अपने लेबर से ज्यादा काम करवा के बहुत ही कम पैसे देता है। और तो और 2017 में तो चाइना में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें चाइना के शांक्सी प्रोविंस में एक फैक्ट्री में मिला था एक खतरनाक लीड, जहां पर बच्चों से लेकर बूढ़ों और यहां तक कि अपाहिज लोगों से तक जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही थी। अभी भी ज्यादातर फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चाइना के 996 के वर्क कल्चर को अपनाया जाता है, जिसमें वर्कर्स को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम करना होता है। और इनके जालिम कल्चर में 14 से 16 साल के स्कूल स्टूडेंट्स को भी जबरदस्ती डाला जाता है, ये कहकर कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें ग्रेजुएशन ऐसी तरक्की का भी करने लोगों की फट जाए। चाइना का लेबर्स पे अत्याचार यहीं पे खत्म नहीं होता। साल 2020 में ये पाया गया था कि चाइनीज सरकार खुद ही अपने देश की उइघुर माइनॉरिटी के 80,000 लोगों को स्वेटशॉप्स में जबरदस्ती मजदूरी करवा रहे थे। और ये जो स्वेटशॉप्स होते हैं ना, वो दरअसल बहुत ही ओवरक्राउडेड वर्कप्लेसेस होते हैं, जहां ना ज्यादा खिड़कियां होती है, हाई टेम्परेचर्स होते हैं और बहुत ही कम बिजली होती है, ब्रेक्स नहीं मिलते और ना के बराबर वर्कर्स को ब्रेक दिया जाता है। और वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बॉन्डेड लेबर प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती थी, जहां कर्ज चुकाने के लिए कर्जदार से जबरदस्ती बहुत पुरानी बात हाँ, पहले ना। पर 1976 के बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट के बाद इसे इलीगल करार कर दिया गया था। मगर चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम्स इंडिया में आज तक देखने को मिलती है, जहां 2011 में हुए सेंसस के डेटा से पता चला था कि करीबन 1 करोड़ बच्चे इंडिया में चाइल्ड लेबर का शिकार थे। सो फ्रेंड्स, अब ये सब सुन के फाइनली आपको क्या लगता है, कौन से देश के प्रोडक्ट्स बेहतर है, इंडियन या चाइनीज?
मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अपनी राय। आई फील कि आप सभी को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था, तब से हमारे देश के कई सेक्टर्स में ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज देखी गई है। जैसे कि मेक इन इंडिया के तहत काफी सारे रिप्यूटेड ऑटोमोबाइल कंपनीज ने एस्टिमेटेड 14,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके कई सारे शहरों में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब्स खोल लिए, जिसने 2021 तक कुछ 10,000 जितने जॉब्स क्रिएट किए। फिर केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स में भी हमने 107% तक ग्रोथ हासिल किया है। और 2015 में लॉन्च हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हाउसेस के तहत 70 लाख घरों को बनाया गया है, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज देने वाला सेकेंड सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। अब ऐसा ही प्रोग्रेस और भी कई सेक्टर्स में हो रहा है, और इसीलिए हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स के बदले चूज करना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों तक भाई, इंडियन प्रोडक्ट्स ओवर चाइनीज प्रोडक्ट्स। फिर भी पूरे इंडिया में सिर्फ 43% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स कंप्लीटली यूज करना बंद कर दिया है। और चलो इतने भी बहुत बड़ी बात है, आज भी लोग इंडियन प्रोडक्ट्स के बजाय यूज करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ये 43% लोगों ने भी, ये मैं कहता हूँ ज्यादातर 2020 के बाद बंद किया होगा, जब से वो हुए बैकवर्ड चला है। तो बहुत बड़ी ये भी बात है कि भाई 43% लोगों ने भी की है, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है चाइना के। 43% लोग बहुत बड़ी आबादी बन जाती है, तुम्हें पता है इस चीज का। और पता है क्या बात है, जिस तरह बता रहे थे ना टॉयज का, और जिस तरह अभी इंडिया खुद अपना मेड इन इंडिया टॉयज बना रहा है, तुम्हें पता है बिल्कुल इसके बारे में इंडिया चीज पे अभी इंडिया खुद काम कर रहे हैं। लेकिन वही बात है गाइस, स्लोली स्लोली होता है सब कुछ, एकदम नहीं होता। जैसे ही अल्टरनेटिव इंडियन आते जाएंगे, लोगों को अवेयरनेस होती रहेगी, वो उठाते रहेंगे इंडियन प्रोडक्ट। और हम भी आप लोगों को कहना चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट ज्यादा यूज करें, जो नहीं करते वो भी यूज करें, ताकि मतलब कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, वो नई आइडियाज लेकर आएंगे, नई चीजें बनाएंगे। अच्छा आप भाई, आपको एक बात बताऊं, हमारे पहले पाकिस्तान में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। मतलब लोग कहते थे कि हम ये यूज करते हैं, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा। अब इधर भी लोग समझ गए कि यार के मतलब यार ये बहुत घटिया माल होता है, तो उनको भी यार भाई ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया चाइना के जो चीजें उनकी क्वालिटी मस्त नहीं है, ये आपको पता है। और चेंज स्लोली स्लोली, और मोबाइल का जिस तरह बोल रहे थे ना भाई, इसमें भी इंडिया ने अब देखो उनकी किस कंपनीज पर टैक्स भी लगाए हैं। हाँ। और दूसरा ये कि उनको मतलब काफी सारी चीजों से निकाल दिया है, काफी चीजों से निकाला, मतलब काफी चीजों में और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अभी इंडिया खुद अपना निवेश कर रहे हैं भाई। और यार मेड इन इंडिया बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहा है, मतलब कुछ टाइम जॉब क्रिएट हो गया, अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अभी स्लोली आगे जाएगा। और भी गाइस आप क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।